दिवाली का पर्व भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार रोशनी और आतिशबाजी का प्रतीक है। इस दिन लोग अपने घरों को दीयों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाते हैं, साथ ही फटाके जलाकर भी इस त्यौहार की खुशी जाहिर करते हैं। ऐसे में फटाके से जुड़े मामले त्यौहार के बाद हजारों सुनने को मिलते हैं। अगर आप पर्व पर फटाके जलाने की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए कुछ खास बातों का ध्यान में रखना जरूरी है। त्यौहार की खुशी और आनंद के लिए फटाके जलाना अच्छा लगता है, लेकिन यह बहुत खतरनाक भी हो सकता है। अगर यह सही तरीके से जलाए नहीं जाए तो आँखों में चोट लगने या अन्य दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। इसलिए दिवाली के त्यौहार को सुरक्षित और मज़ेदार बनाने के लिए कुछ सावधानियाँ बरतनी बहुत ज़रूरी होती है। इसमें हम आपको बताएंगे कि दिवाली के पर्व पर फटाके जलाते समय किन बातों का ध्यान में रखना जरूरी है। पहला, खुले स्थान पर जलाएं। कई बार माँ बाप अपने बच्चों को फटाके जलाने के लिए छत पर भेजते हैं ताकि वह बाहर जल रहे फटाकों से दूर रहे, लेकिन बता दें कि फटाकों को हमेशा खुले और सुरक्षित स्थान पर जलाएं। घर के अंदर छोटी जगह या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में फटाके जलाना खतरनाक हो सकता है। दूसरा, बच्चों की देखरेख। अगर आपके बच्चे अकेले फटाके जला रहे हैं तो उस दौरान एक छोटी सी लापरवाही खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में बच्चों को कभी भी अकेले फटाके जलाने ना दें। तीसरा, सुरक्षा उपकरण। फटाके जलाते समय आंखों पर चश्मा, हाथों में दस्ताने और चेहरे पर मास्क पहने। कई बार फटाके के अचानक ब्लास्ट होने की स्थिति में घाव और चोट लग सकती है। चौथा, मेडिसिन किट हमेशा साथ रखें। फटाके जलाते समय अपने पास पानी और बालू रखें। अगर अचानक किसी वजह से आग लग गई तो इन चीज़ों की मदद से तुरंत पानी से बुझाया जा सकता है। हालांकि हर घर में दवाइयां होती है, लेकिन कई बार ख़त्म होने के बाद हम इन्हें लाना भूल जाते हैं। अगर आपके पास मेडिसिन ख़त्म हो गई है तो इन्हें तुरंत लाएँ।